Hey, you know what? I want you all to sing with me. Will you? Chalo, let's do this. 1, 2, 3. तो हे गाइस, इट्स मी संजय, वेलकम बैक टू एस्कमिक्स। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं इस तरह का एक बर्थडे स्पेशल वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो आप लोग अगर इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक आप लोगों को देखना है। मैं बहुत ही सिंपल में हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से इस वीडियो को बना सकूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए जो भी मटेरियल का मैं यूज करूंगा सारा कुछ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद कैसे इस वीडियो को बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। उससे पहले गाइज, आप लोगों को अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर लाल कलर का एक बटन है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। एंड ये वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा गाइज। तो चलिए, इस तरह का वीडियो कैसे बना देते हैं वो देख लेते हैं। तो गाइज, आप लोगों को फर्स्ट कैपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ये जो एप्लीकेशन है इसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में। अगर वो लिंक वर्क ना करे तो आप लोग एस्केमिक्स ऑफिशियल सर्च करके भी जा सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में दिखाऊंगा, इसलिए लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, देखिए, फर्स्ट कैपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर टच करना है। यहाँ पर गाइज, आप लोगों को 11 सेकंड का वीडियो मिलेगा। देखिए ये वीडियो, इसे फर्स्ट आप लोग यहाँ पर नीचे देखिए ऐड करके इस पर टच करके ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद इस वीडियो पर टच करें। टच करने के बाद नीचे देखिए एक वॉल्यूम का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, इसको जीरो कर लेना है। ठीक है, आप देखिए लास्ट में एक एंडिंग वाला पोर्शन है, यहाँ पर देखिए एंडिंग करके है, इसको आप लोग नीचे देखिए डिलीट का बटन है, इस पर टच करके डिलीट कर लीजिए। आप देखिए नीचे एक ऐड ऑडियो करके आ रहा है, इस पर क्लिक करना है एक बार। उसके बाद नीचे देखिए एक्सट्रैक्टेड करके आ रहा है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर एक 23 सेकंड का वीडियो मिलेगा, इस पर आप लोगों को टच करके ऐड कर लेना है। तो नीचे जो है ऑडियो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर आप लोग जिसका बर्थडे बनाना चाहता हो इसका आप लोगों को 4 फोटो सिलेक्ट करना है। तो फोटो यहाँ पर ऐड करने के लिए गाइज, आप लोगों को देखिए साइड में एक प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फोटोज़ में जाना है, यहाँ पर गाइज 4 फोटो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो गाइज यहाँ पर मैंने 4 फोटो सिलेक्ट कर लिया, अब ऐड करना है। तो इस तरह से आप लोग ऐड कर लीजिएगा। अब गाइज आप लोगों को फर्स्ट फोटो का ड्यूरेशन रखना है 3.3 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट फोटो का ड्यूरेशन 3 सेकंड ही रखना है। तो उसके बाद दोस्तों जो 2 फोटो है लास्ट की तरफ, इसको आप लोगों को 2.8 सेकंड करके कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट फोटो का ड्यूरेशन आप लोगों को रखना है 3.3 सेकंड, उसके बाद 3 सेकंड, एंड उसके बाद दो जो फोटो है उसको 2.8 सेकंड करके रखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। अब गाइज आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को देखिए यहाँ पर फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना है। यहाँ पर एनिमेशन करके देखिए नीचे एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके करने के बाद कॉम्बो पर क्लिक करना है। ठीक है, कॉम्बो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सेकंड वेव एंड स्ट्रेच करके स्लाइड करके आ रहा है, इस पर आप लोगों को टच करना है। नेक्स्ट फोटो में भी आप लोगों को सेम एनिमेशन को ऐड करना है, सेकंड वाले को। उसके बाद थर्ड फोटो में भी आप लोगों को सेकंड वाले एनिमेशन को ही ऐड करना है। फोर्थ फोटो में भी सेम करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर चारों फोटो में आप लोगों को सेकंड वाले एनिमेशन को ऐड कर लेना है। अब गाइज आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो उसे ऐड करना है। तो उसके लिए आप लोगों को बैक आना है एक बार, उसके बाद देखिए नीचे ओवरले करके इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आप लोगों को इस वीडियो को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इस तरह से जूम कर लीजिए, नीचे देखिए एक ऑप्शन है स्प्लाइस करके, इसको आप लोगों को टच करना है। उसके बाद लाइटन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद गाइज इसको आप लोग जितना तक वीडियो है उतना तक इसे क्रॉप कर लेना है। देखिए यहाँ पर इतना तक है, तो आप लोग यहाँ पर स्प्लिट करके ऑप्शन है, इस पर टच करके दोनों हिस्से में बढ़ जाएगा ये। तो इधर का जो हिस्सा है इसे डिलीट कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर से ऐड पर क्लिक करें। तो गाइज ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो, इसे आप लोग ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद थोड़ा सा जूम करके ऊपर की तरफ इसे सेट करना है। एंड यहाँ पर गाइज आप लोगों को इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप लोगों को रखना है। एंड यहाँ पर देखिए स्लाइड करें नीचे के जो ऑप्शन है, यहाँ पर एक क्रोमा की करके मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्रोमा की, इस पर टच करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर में जो ये है इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंटेंसिटी को आप लोगों को टच करना है, इसको आप लोगों को 100% तक कर लेना है। तो इतना तक होने के बाद गाइज ये वीडियो जितना तक है उतना तक आप लोगों को इसे क्रॉप करना है। इस तरह से क्रॉप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं इसे स्प्लिट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर इधर का जो हिस्सा हो रहा है इसे डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इतना तक होने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ हैप्पी बर्थडे वाला एक PNG मिलेगा, उसे ऐड करना है। तो उसके लिए ऐड वाले फिर से टच करें। तो गाइज ये PNG इसे आप लोग ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद नीचे की तरफ इसे आप लोग इस तरह से ऐड करें, एंड इसको खींच के वीडियो जितना तक है उतना तक आप लोगों को कर लेना है। देखिए गाइज यहाँ पर मैंने लास्ट तक कर लिया है। अब आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना है, आपका जो सिस्टर बर्थडे वीडियो है वो बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं ऑडियो को बिना प्ले कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ सुनना चाहता हूँ तो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा।
तो गाइस देखिए बहुत ही बेहतरीन एक सिस्टर बर्थडे स्पेशल वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, तो आप लोग भी बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हो जो मैंने स्टेप दिखाया वो फॉलो करके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।